हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त मेहराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेल्डिंग मशीन को किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये एक वेल्डिंग मशीन है, ये जो है अर्थ मार रही है यानी करंट मार रही है। तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, ये हमारा स्विच बोर्ड है, इससे हम चेक करेंगे। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी दिखा रही है और ये आप देख सकते हैं ये बॉडी से भी अर्थ दिखा रही है, फुल सीरीज यहाँ पर जल रही है, यानी ये मशीन जो है अर्थ हो रही है। ठीक है, अभी हमने प्राइमरी वाइंडिंग की अर्थिंग चेक की, अब हम जो है सेकेंडरी वाइंडिंग की अर्थिंग यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग की भी कभी कभी अर्थिंग कर रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की एक क्वाइल हमें जली हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का ये वाला तार हम मशीन से अलग कर देंगे, और ये दूसरा वाला तार भी हम यहाँ से अलग कर देंगे खोलने के बाद। उसके बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग के चार तार है जो मेन सप्लाई के तार हैं, इसको भी हम खोलने के बाद अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वेल्डिंग मशीन को अब उल्टा कर लेंगे, और नीचे ये वेल्डिंग मशीन के जो ट्रांसफार्मर के बोल्ट लगे हैं इनको हम खोल लेंगे, और वेल्डिंग मशीन के ट्रांसफार्मर को बॉडी से बिल्कुल फ्री कर लेंगे। तो अब हमारा वेल्डिंग सेट बॉडी से बिल्कुल फ्री हो चुका है, इसको हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। अगर कोई तार वार फंसे उसको हम सेटिंग करके आराम से निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कॉइल हमारी जली हुई है। उसके बाद हम जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का ये वाला बोल्ट जो हम खोल देंगे। तो यहाँ पर जो ये क्लैंप लगा है इसके दोनों साइड के बोल्टों को हम लूज कर लेंगे, और इस क्लैंप को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये कोर लगी है इसको आराम से निकाल लेंगे। तो अगर ये कोर निकालने में दिक्कत हो तो इसको हम किसी चीज़ से ठोक लेंगे, और उसके बाद इसको पेचकस की सहायता से इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन कोर के सेटों को हमें मिलाना नहीं है, जैसे हम निकाल रहे हैं सेट बाई सेट वैसे ही हम सेट बाई सेट इसको लगा देंगे। अगर हम इन कोरों को मिला देंगे तो बाद में हमें इनको गिनकर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेट बाई सेट रखेंगे तो हमें इसमें गिनना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सारी कोर बाहर निकल चुकी है, अब हम कॉयलों को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि इन कॉयलों के साइड में फन्नी भी लगी हो सकती है, क्योंकि कॉइल ढीली होती है तो साइड में फन्नी लगा देते हैं, कुछ इस तरह की फन्नी होती है, इनको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम जो है फील्ड बाहर को निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारी एक कॉइल निकल गई, अब हम दूसरी कॉइल में फन्नी चेक करेंगे साइडों में, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ऐसे ही निकालेंगे। ये काफी टाइट हो रही है, निकालने में भी काफी परेशानी हो रही है, आराम से आप इसको निकाल लेंगे। तो ये कॉइल हमारी निकल गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग में भी थोड़ा सा कट लगा हुआ है, जिसमें ये कभी कभी अर्थ हो रही थी। ये हमारी मोटी वाली सेकेंडरी कॉइल ये ठीक है, सिर्फ जो है एक जगह से छिली हुई है, इसका कलर ही ऐसा हो रहा है, इसको हम टैपिंग कर देंगे और ये ठीक ठाक है। उसके बाद इस वाली प्राइमरी वाइंडिंग का हम जो है गेज करेंगे और इसको हम नया बनाएंगे। तो ये 9 नंबर में भी नहीं आ रहा, और जो है 12 नंबर में भी नहीं आ रहा, तो ये जो है 11 नंबर में सही आ रहा, तो ये 11 नंबर गेज है। तो यहाँ पर हम इसको अब बनाने वाले हैं, ये हमने फर्मा लगाया, साइड प्लेट है ये, तो अब हम इसको बनाएंगे। ये हमारा जो है साइड प्लेट है, और यहाँ पर ये फर्मा है कोर के साइज का, आप कोर के साइज का फर्मा ले लेंगे, जिस साइज की जो आपकी कॉइल थी उसी साइज का फर्मा बना लेंगे। ये हमने फर्मा लगा दिया और दूसरी साइड प्लेट भी हमने लगा दी, अब इसको हम बोल्ट से टाइट कर देंगे। इस फर्मे के ऊपर हमने मोटा वाला पीला वाला पेपर लगा रखा, अगर हमारी कॉइल टाइट होती है तो इस फर्मे को हम निकाल देंगे, अगर टाइट नहीं होती है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 नंबर का वायर है, इसको कॉटन वायर भी बोलते हैं। तो इसको जो है इस तरीके से पहली लीड निकाल लेंगे, और इसको आराम से पहली टर्न जो है आराम आराम से घुमा कर बनाएंगे। उसके बाद इसको लेयर वाई लेयर बनाते रहेंगे, और साथ में टर्ने भी इसकी गिनते रहेंगे, यानी जितनी टर्ने हमारी पुरानी वाली कॉयल में थी उतनी ही टर्ने इस वाली कॉयल में भी हम डाल देंगे। और जब एक लेयर पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है हम इस तरीके से काला वाला पेपर लगा देंगे दोनों कॉयलों के बीच में, यानी दोनों लेयरों के बीच में एक जो है काला पेपर लगा देंगे। ये हमने काला वाला पेपर लगा दिया, अब दूसरी लेयर इस पे डालेंगे। लेयर वाई लेयर इसको हम बनाएंगे, यानी दो तारों के बीच में ज्यादा गैप ना हो पाए, और ये हमारी कॉयल यहाँ पर ये पूरी हो चुकी है। इसको हम धागे से बांध लेंगे और दो चार राउंड जो है धागे से लपेट देंगे, जिससे हमारा लास्ट वाला सिरा इधर उधर ना भागे। तो ये हमने बांध दिया, अब इसको हम जो है बोल्ट खोलने के बाद आराम से बाहर निकाल लेंगे।
तो ये आपने क्वाइल बाहर निकाल लिया, अब इसको जो है हम धागे से बांध लेंगे कुछ इस तरीके से, यानी स्केल की मदद से क्वाइल और फरमे के बीच में धागा डालेंगे, चारों साइड इसको हम बांध देंगे। चारों साइड बांधने के बाद इसके अंदर जो फरमा है इसको हम ठोक के बाहर आराम से निकाल लेंगे, अगर एक साइड टाइट निकले तो दूसरी साइड को ठोक करके निकाल लेंगे, मतलब आराम से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारा फरमा बाहर निकल चुका है, तो अब इसकी हम जो है कॉटन टेप से इसकी टेपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी टेपिंग कर दी है, वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका पार्ट कट कर दिया है। उसके बाद इस फील्ड के साइज से दो चार सेपरेटर हम काट लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ पर ये कोर पे जो पुराना टेप वगैरह लगा है इसको हम हटा देंगे और नया टेप इस पर लगा लेंगे हम, तो इसको आराम से नया टेप इस पर लपेट लेंगे। उसके बाद इस खड़ी कोर के साइज से लगभग 10-11 इंची का काला पेपर हम काट लेंगे और इस पर लपेट लेंगे। यहाँ पर हम इस पर 5 नंबर का सफ़ेद वाला फिल्म पेपर भी लगा रहे हैं क्योंकि हमारी कॉइल थोड़ी टाइट हो गई है, तो इससे ये होगा कि हमारी जो कॉइल है टाइट हो गई है, वो आराम से बैठ जाएगी। उसके बाद जो हमने सेपरेटर काटा था उसको हम डाल लेंगे, एक नीचे डालेंगे, एक बीच में डालेंगे, एक सबसे ऊपर डालेंगे। ये हमने सेपरेटर डाल दिया, अब हम इसमें कॉइल बिठा लेंगे। ये हमने सेपरेटर आराम आराम से कॉइल को डालेंगे, उसके बाद जो है लकड़ी के गुटके से इसको हम ठोक के आराम आराम से बिठा लेंगे, बिल्कुल लकड़ी के गुटके से आराम आराम से ठोक के इसको अंदर बिठा देंगे। ये हमारी एक कॉइल बैठ चुकी है, ये हमारी एक कॉइल बैठ चुकी है, अगर इसमें लूजिंग है तो इसमें फन्नी लगा देंगे बीच में। अब हम इसमें बीच में एक सेपरेटर और लगाएंगे, उसके बाद जो है दूसरी वाली प्राइमरी वाली कॉइल इसके अंदर डालेंगे। आराम आराम से इसको बिठा लेंगे। अगर अगर टाइट हो तो इसको हम ठोक के बिठा लेंगे, लकड़ी के गुटके से आराम आराम से इसको ठोकेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हम सेकेंडरी कॉइल डालेंगे और एक हम प्राइमरी कॉइल डालेंगे। तो हमारी दोनों कॉइल बैठ चुकी है, उसके बाद जो ये पेपर है उसको हम चारों साइड से काट लेंगे, इस साइड से भी काटेंगे और इस साइड से भी काटेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा लगा देंगे जिससे हम कोर लगाएंगे तो यहाँ पर जो है अर्थ ना हो। उसके बाद जो हमने कोरें निकाली थी उसको पेचकस की सहायता से खाँचों के अंदर बिठा देंगे, सेट बाई सेट हमने बना के रख रखे थे। अगर आपने सेट बाई सेट नहीं बना के रखे हैं तो आप जो है जितनी खाँचे में आए 4-6 वो इतनी इतनी खाँचे में डाल देंगे, आराम आराम से इसको सेट करके बिठा देंगे। ये हमारी सारी कोरें बैठ चुकी हैं, इसको हम जो है लकड़ी के गुटके से आराम से इसको इकसार कर लेंगे। तो अब हमारी सारी कोरें इसमें बैठ चुकी हैं, अब हमारा जो क्लैंप है इसको टाइट करने वाला इसको हम जो है आराम से लगा देंगे इस तरह से, और इस क्लैंप को दोनों साइड से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा क्लैंप टाइट हो चुका है, अब जो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का जोड़ है इसको भी हम बोल्ट डाल के टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया और जो है इसको हम अब बार्निश करेंगे, अच्छे तरीके से बार्निश कर देंगे। ये हमारा बार्निश भी हो गया, और जो ये हमारा जोड़ है इस पर हम कॉटन टेप लपेट देंगे। तो ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम वेल्डिंग सेट को बॉडी के अंदर डालेंगे, आराम से इसको डालेंगे और इसको बोल्टों से टाइट कर देंगे नीचे फ्रेम में। उसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग का ये वाला सिरा हम जो है यहाँ पर जोड़ देंगे, इस पर कॉटन टेप लपेट देंगे, और ये जो दूसरा वाला सिरा है इसको जो हम अर्थ वाली लीड में जोड़ देंगे। अब हम प्राइमरी कॉइलों के कनेक्शन करेंगे, पहला सिरा हम पहली लीड में जोड़ देंगे, पहली कॉइल का पहला सिरा पहली लीड में जोड़ देंगे और दूसरी कॉइल का भी पहला सिरा दूसरे नंबर वाले बोल्ट पर जोड़ देंगे। पहली कॉइल का दूसरा सिरा
तीन नंबर बोल्ट पर जोड़ देंगे और दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा चार नंबर बोल्ट पर जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये अर्थ वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। उसके बाद हम इसको जो है सीरीज से चेक करेंगे, इस तरीके से तार जोड़ेंगे सेकेंडरी वाली वाइंडिंग में, इसका जो है हम ब्लिंकिंग चेक करेंगे। यानी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में ये इस तरह से बल्ब कम ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप बल्ब कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब हम बेल्डिंग सेट को चला करके देखेंगे। तो ये हमने मेल्ट तो ये हमने होल्डर की लीड अर्थ में लगा दी और ये हमने सीरीज को डायरेक्ट कर दिया। अब हम बेल्डिंग करके देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेल्डिंग भी हो रहा है। तो ये हमारी बेल्डिंग मशीन सही तरीके से काम कर रही है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 3-4 घंटे की वीडियो को मैंने एडिट किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।